अभी इस तरह का हाल है, ना तो आंगनबाड़ी का कोई देखभाल करने वाला है, ना आंगनबाड़ी का भी हालत पूरा जर्जर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई बच्चों का विकास आंगनबाड़ी पर ही टिका है। तो वहीं झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के लेटेमदा गांव का आंगनबाड़ी केंद्र सालों से बंद है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने से गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित तो है ही, साथ ही बाल विकास परियोजना के तहत मिलने वाला पौष्टिक आहार भी इन बच्चों को नहीं मिल रहा है। सालों से बंद होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र का भवन भी जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी के बंद होने से बच्चों को टीकाकरण भी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 14 से 15 महीने पहले आंगनबाड़ी सेविका का निधन हो गया था और तब से यहां पर सेविका का पद भी खाली है, जिस पर अब तक कोई तैनाती नहीं की गई है। इस कारण गांव के बच्चे आंगनबाड़ी के लाभों से अछूते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी फिर से शुरू ही नहीं हुआ। बता दें कि गांव में करीब 500 ग्रामीण निवास करते हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि अभी तक CDPO या विभागीय पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविका के रिक्त पद पर कोई तैनाती नहीं की है, जिस कारण अब तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं ग्राम प्रधान हिमांशु कुमार सिंह। मेरा गांव में आज मोटा मोटी साल भर से आंगनबाड़ी जो था ये बंद पड़ा है, इसमें कुछ काम नहीं होता है। जबकि एक बार बीच में इसका नियुक्ति के लिए प्रखंड पदाधिकारी की तरफ से कुछ आया था, लोग पदाधिकारी लोग, तो पूरे न वाला का वेतन बकाया रहने के कारण नियुक्ति नहीं हो पाया। बाद में इसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अभी इस तरह का हाल है, ना तो आंगनबाड़ी का कोई देखभाल करने वाला है, ना आंगनबाड़ी का भी हालत पूरा जर्जर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सेविका के पद पर तैनाती होती है और कब फिर से इस आंगनबाड़ी केंद्र को चलाया जाता है, क्योंकि जब तक ये बंद रहेगा गांव के गरीब बच्चे शिक्षा और सुविधा दोनों से ही वंचित रहेंगे।